हमारी बहुत इज्जत की जाती है यहाँ पर एज अ भारतीय भी। मुझे हमेशा कभी भी यहाँ पर ये नहीं लगता कि मैं अपने देश से बाहर हूँ। यहाँ पे ना तो मदरसे हैं, ना कोई पागलपन है, और जो पागलपन करते हैं उनकी किडनियाँ निकाल ली जाती हैं। फिर ये चाइनीज के अंदर ये पागलपन कहाँ से आ गया कि चाकू से मार दिया। 62 साल के एज में आकर किसी का अगर डाइवोर्स होता है उसको इतना सदमा नहीं लग सकता कि वो दूसरों को सदमे पे पहुंचा दे। भड़काने की कोशिश की जा रही है पेरेंट्स को कि आप जाकर गवर्नमेंट को हिलाइए कि हमारी लाइफ सेफ नहीं है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि इस वक्त ये सारी किलिंग्स सड़कों पे होनी शुरू हो गई, जो कि चाइना में ये पॉसिबल ही नहीं है। फॉरेन जो फोर्सेस हैं वो भी चाहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पे आएं, वो विद्रॉ करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरें और यहाँ पर गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश की जाए, या कह लीजिए शी जिनपिंग को गिरवाने की कोशिश की जाए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। सुमित जी, चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना एक पीसफुल कंट्री है जहाँ पर सिटीजन बहुत शांति और बहुत आराम से रहते हैं। लाखों की भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं हर जगह, जैसे भारत में जनसंख्या है, हर जगह भीड़ नजर आती है, बस में, ट्रेन में, सड़कों में, अस्पताल में, हर जगह। लेकिन कभी कोई इस तरह की घटना कभी हमें पहले सुनने के लिए नहीं मिली कि किसी ने किसी को मार दिया, धक्का दे दिया। बहुत पीसफुली सब वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लेटली कई सारी ऐसी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं जहां पर आपस में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। पिछले ही हफ्ते खबर आई जहां पर एक स्पोर्ट्स सेंटर में किसी एक एल्डरली पर्सन ने गाड़ी को घुसा दिया और कई सारे लोग वहां पर मर गए। उसके बाद भी कई सारी ऐसे ऐसी खबरें, उससे पहले लगातार 5-7 खबरें इस तरह की आई आ चुकी है जहां पर सिविलियंस को आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, मारे हैं। और जिसके चलते सरकार ने स्कूल, कॉलेज और किंडरगार्टन पे भी सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया। आखिर ये क्या कुछ हो रहा है, चाइना से इस तरह की खबरें क्यों आ रही है? अंबर जी, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैं यहाँ पर 14-15 सालों से रह रहा हूँ, मैंने कभी भी सुना नहीं है, ना कभी देखा है, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। आप देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ है, लेकिन आपको कोई भी रास्ते में जाता हुआ, जैसे भारत में आप कभी पब्लिक बस में गए हों या कभी मेट्रो में गलती से चढ़ भी गए हों, तो वहाँ पर आपको क्या क्या कुछ हाल करते हैं लोग, छेड़ाखानी करते रहेंगे। यहाँ पर चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जब इतना पीस का माहौल है, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, इतने कैमराज हैं, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि हम 7 मिनट में अपराधी को पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि जो यहाँ पर जो कैमरा सिस्टम्स हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई आदमी सोचकर जा रहा है कि वो कल जाकर कोई गलत काम करने जा रहा है, यानी कि वो चोरी करने जा रहा है, डकैती करने जा रहा है, चाकू मारने जा रहा है, उसे करने से पहले पकड़ लिया जाएगा। उसका वहां पे कैमरा में आ जाता है कि ये आदमी ये इस इंटेंशन से जा रहा है। तो इतना ज्यादा इन्होंने सख्ती करी हुई है। वहां पर इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाने, मैं आपको पहले 3-4 इंसिडेंट बताता हूं जो भारत की मीडिया में कवर भी नहीं किया गया। सबसे पहले 1 महीने पहले हुआ काम, जहां पर एक 10 साल के जापानीज बच्चे को टारगेट किया गया। फॉरनर्स को यहां पर टारगेट नहीं किया जाता, बिकॉज चाइना नोज और चाइनीज के लोगों को मालूम है कि जो फॉरनर्स हैं इनके कारण हमारे कंट्री की रेपुटेशन है, और एक गर्व महसूस करते हैं कि फॉरनर्स हमारे कंट्री में आकर काम कर रहे हैं, यहां पर रहते हैं, तो ये कभी भी टारगेट नहीं करते। हमारी बहुत इज्जत की जाती है यहां पर एज अ भारतीय भी। मुझे हमेशा कभी भी यहां पर ये नहीं लगता कि मैं अपने देश से बाहर हूं ना। उसके बाद आपने जैसे पहले बात किया कि लास्ट वीक एक जुहाई जहां पर ए शो हो रहा था, उससे एक रात पहले 62 ईयर्स आदमी ने अपनी वैन ली और वहां पर स्पोर्ट्स सेंटर में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 35 लोगों को यहां पर मार दिया गया, 40-45 लोगों को तो जख्मी किया है सीरियसली। अभी उसका सदमा पूरा नहीं हुआ था, कल या परसों एक बच्चे ने, 21 साल का लड़का, मैं क्यों बोल रहा हूं, पहला जो इंसिडेंट है उसमें 62 ईयर्स का आदमी था, दूसरे वाले में 21 साल का लड़का, उसने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका कत्ल कर दिया चाकू लेकर। यहाँ पे ना तो मदरसे हैं, ना कोई पागलपन है, और जो पागलपन करते हैं उनकी किडनियाँ निकाल ली जाती हैं। फिर ये चाइनीज के अंदर ये पागलपन कहाँ से आ गया कि चाकू से मार दिया, और जब पूछा गया कि रीज़न क्या है, उसने बोला कि मुझे स्कूल, जो ये कॉलेज जहाँ से पढ़ा था वो, उसने उसका डिग्री का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, जिसके कारण उसको जॉब नहीं मिल पा रही, उसने गुस्से में आकर जो फ्यूचर में बच्चे पास होकर बाहर निकलेंगे उनका कत्ल कर दिया।
ताकि जो उनकी जिंदगी की मुश्किलें आने वाली हैं उनसे मैंने उनको रिहा कर दिया। और जो 62 इयर्स का आदमी है जिसने 35 लोगों को वैन के नीचे मार दिया, गवर्नमेंट ने यह बोला है वो डाइवोर्स था, अभी अभी डाइवोर्स हुआ था, इसी कारण दुख में आकर उसने लोगों को मार दिया। ओ भाई 62 इयर्स यानी कि 30-40 साल से वो सहन कर रहा था इतने टॉर्चर को, वहां से वो मुक्त हुआ था तो उसके बाद जाकर उसने लोगों को मार दिया। बात समझ नहीं आती, यानी कि गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, जो लोकल लोग हैं, उनके दो तीन नैरेटिव्स हैं। एक तो ये है कि 62 साल के एज में आकर किसी का अगर डाइवोर्स होता है उसको इतना सदमा नहीं लग सकता कि वो दूसरों को सदमे पर पहुंचा दे। उसका रीजन था कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं लोगों की, जो कॉमन लोग हैं, वो दुखी हैं उससे, उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही। तो उसने आकर अपने पॉइंट को सेंट्रल गवर्नमेंट तक यानी कि शी जिनपिंग तक पहुंचाने का एक रास्ता निकाल लिया कि अगर मैं कुछ लोगों को मारता हूं तो शायद ऊपर प्रेसिडेंट जाग जाएगा कि लोगों की जिंदगियां मुश्किल हैं, इकोनॉमिक जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ती जा रही हैं, एंड मे बी दे विल डू समथिंग। तो इसलिए वो काम किया गया। दूसरा, यहां पे आपको मालूम है जो बच्चे हैं, क्योंकि एक एक बच्चा होता था, अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दिया कि अब 2 या 3 बच्चे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ बच्चे को पालने की इतनी ज्यादा है चाइना में कि लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे, तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत टची हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगेन जो दूसरा लड़का है उसने भी जब टारगेट किया तो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट किया ताकि ऊपर तक आवाज पहुंचे कि भाई हम दुखी हैं, हमारे लिए कुछ किया जाए। और आज की लेटेस्ट न्यूज है, अभी 2 घंटे पहले भी एक स्कूल के बाहर वैन में बंदा आया, उसने बच्चों के बीच में वैन को मार दिया ताकि बच्चों की जान ली जाए। अगेन टू सेंड अ मैसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई अब हम और सहन नहीं करेंगे। भड़काने की कोशिश की जा रही है पेरेंट्स को कि आप जाकर गवर्नमेंट को हिलाइए कि हमारी लाइफ सेफ नहीं है, हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है, इकोनॉमिकली डाउन है, बिजनेसेस है नहीं, जॉब्स मिल नहीं रही, 20-30% बच्चे बेरोजगार हैं। और मैं आपको दुख की बात बताता हूँ, एक कंपनी है जिसके लिए मैं पहले कंसल्टिंग करता था, आपको 3-4 साल पहले, कंपनी बहुत ही बढ़िया थी, दे वर राइजिंग लाइक एनीथिंग। आज उसकी जो मालकिन है कंपनी की, जो 4-5 कंपनीज की मालकिन थी, आज जोमेटो में डिलीवरी लेडी का काम करती है। आप सोचकर देखिए, चेयरमैन ऑफ अ कंपनी आज जोमेटो की, अगर भारत में जैसे जोमेटो है उसमें डिलीवरी का काम करे, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, सिर्फ इसलिए कि घर को चलाना है। तो जब यहां पर इकोनॉमिक डाउनटर्न इतनी बुरी तरह से आया हो, उसके बीच में लोगों ने अपनी आवाज, अपना गुस्सा वो दिखाने के लिए एक तरीका निकाल लिया कि मे बी थ्रू दिस गवर्नमेंट को समझ आएगी। बट क्वेश्चन वही है कि जब यहां पर ऐसा कभी सुना नहीं, कोई तालीम इनको ऐसी मिलती नहीं, मदरसों में पढ़े नहीं, फिर चाकू चलाना, गाड़ी के नीचे रौन देना, ये कहां से आ गया? जी सुमित जी, तो सवाल मैं आपसे जो ये करना चाहती थी वो ये कि जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना में इस तरह का माइंडसेट नहीं है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड या आउट ऑफ हेट्रेड या किसी रिलीजियस बिलीफ की वजह से एक दूसरे को टारगेट करें। क्या जो चाइना में सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसके पीछे कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो सकता है कि लोगों को भड़का के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो? अंबर जी, आप जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, चीजों को पकड़ लेती हैं, और यही काम यहां पर भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक डाउनटर्न तो हर 4-5 साल के बाद हर कंट्री में आता है। आप देखिए, कभी एशियन क्राइसिस आती है, कभी अमेरिका में क्राइसिस आती है, कभी उसके बाद इंटरनेशनल क्राइसिस आ जाती है, तो ये साइकिल है, हर एक 5-6 साल के बाद ये आता ही है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि इस वक्त ये सारी किलिंग्स सड़कों पे होनी शुरू हो गई, जो कि चाइना में ये पॉसिबल ही नहीं है? तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये फॉरेन जो फोर्सेस हैं वो भी चाहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पे आएं, वो विद्रॉ करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरें और यहाँ पर गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश की जाए, या कह लीजिए शी जिनपिंग को गिरवाने की कोशिश की जाए। यू आर स्पॉट ऑन। और जो यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो भी इसी बातों से भरा हुआ है कि चाइनीज लोग कभी भी ये काम नहीं करते, ये कोई शिंजियांग की कोई कम्युनिटी नहीं है, ये कोई उगर मुसलमान नहीं है जो अपने फ्रीडम ऑफ यू नो स्पीच के लिए या राइट के लिए, सॉवरेनिटी के लिए कोई लड़ाई कर रहे हों और उन्होंने ये काम किया है। दे आर कॉमन पीपल। और सभी की जो एज ग्रुप है वो भी देखिए, एक कोई 62 ईयर्स का है, कोई 21 साल का है, कोई ये भी नहीं कि एज ग्रुप सेम है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज है, डिफरेंट रीजंस है। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भी किसी कंट्री में टेम्परेचर बॉयल हो रहा हो, चीजें ठीक ना चल रही हो, दैट इज अ परफेक्ट मोमेंट जहां पर बाहर की फोर्सेस आकर आपको बोलती हैं कि भाई आपकी आवाज
आपकी जिंदगी तो ऑलरेडी खराब है, लेकिन आपको गवर्नमेंट को हिलाने के लिए कोई ना कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ऐसी चीजें देखकर इंटरनेशनल फोर्सेस हमेशा ही लोकल लोगों को यूज करती हैं अपने एजेंडाज को चलवाने के लिए। आपको याद होगा कि सोरोस ने भारत में क्या बोला था कि मैं $1 बिलियन यहां पे खर्च करने को तैयार हूं मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। क्या उसने यहां पर छोले भटूरे बेचने थे? $1 बिलियन के 8,000 करोड़ के छोले भटूरे बेचकर उसने मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाना था? रेडियां लगवानी थी वहां पर, बैनर लगाने थे मोदी हटाओ के? नहीं, इसके लिए नैरेटिव्स खड़े किए जाते हैं, आपको जिहादी खड़े किए जाते हैं, माइंडसेट क्रिएट किया जाता है इन रुपयों से। और वही काम चाइना में भी करवाने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में, ये विद्रोह की जो मूवमेंट है उसे यूज करने के लिए। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो लोग अभी इसमें फंसे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी आज अनाउंस कर दिया कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाहर पुलिस खड़ी की जाए, जबकि यहां पर पुलिस राम की कोई चीज आपको दिखती भी नहीं है। अगर एम्बर जी आप चाइना में आकर पुलिस वाले का हाल देख लीजिए, उसकी 28 से 29 की तो वेस्ट होती है, अगर आप फूंक मारेंगी तो उड़ के नीचे गिर जाएगा, इतना दुबला पतला होता है, उसके पास डंडा भी नहीं होता, लेकिन डर उसका इतना होता है लोगों को कि वो जब पास में से निकलता है कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है, इतना दबदबा है। उसके बीच में आकर लोगों ने आकर ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी, दैट मीन्स कुछ तो दाल में काला है। इधर जो अंडर करंट है गरीबी का, डाउन टर्न का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण गुस्सा है, और दूसरा उसी गुस्से को इंटरनेशनल फोर्सेस भी यूज कर रही हैं। मेरा अपना मानना है कि दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। मतलब जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो तो हम जानते हैं, लेकिन तार कहां से जुड़ते हैं, कौन ये विद्रोह क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? आप क्या अमेरिका की ओर इशारा कर रहे हैं या कोई और की इसके पीछे हो सकता है? अंबर जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाइना मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा ससुराल है यहाँ पर, इसलिए मेरी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में है वो अमेरिका ही है, और अमेरिका, इनको भी लगता है कि ये सारा काम अमेरिका ही हमारे यहाँ पर करवा रहा है। यहाँ पर सोशल मीडिया में मैंने कई पोस्ट देखी हैं जो चाइनीज लोग बोल रहे हैं कि नाउ अमेरिका है स्टार्टेड डूइंग व्हाट दे वर ऑलवेज वांटिंग टू डू, कि यहां पर विद्रोह करवाया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है ताकि एक वीक चाइना उनके सामने आए तो नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा। यहां पर इवन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ट्रंप जो है वो तो ऑलरेडी डिक्टेटर है ही है, दादागिरी से काम करता है, उसकी आर्ट ऑफ जो डील है, डील में हमेशा होता है कि वो अपर हैंड में बैठकर, ऊंची सीट पर बैठकर, पॉजिटिव लेवल पर जाकर ही वो डील करता है। उसके लिए चाइना को वीक करना, यहाँ पर विद्रोह करवाना, यहाँ पर खून खराबा करवाना, ये करवाने के बाद वो डील भी करेगा तो स्ट्रांग हैंड से करेगा। बट इसके पीछे सच्चाई क्या है, आई डू नॉट नो, बट दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, व्हाट मीडिया एंड सोशल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट। किसका हाथ है? आज तक वुहान वायरस कहाँ से निकला ये किसी को पता नहीं लगा, इसका भी किसी को पता नहीं लगेगा कि ये किस तरह शुरू किया, कब किया और क्यों किया। लेकिन सुमित जी, जो चाइना में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक तरफ तो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, प्लस इस तरह का जो विद्रोह हो रहा है, इससे क्या भारत पे कोई असर हमें दिखाई देगा? क्योंकि चाइना और भारत काफी नजदीक है, और अब भारत और चाइना के बीच रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। अब G20 में ब्राजील में प्रधानमंत्री गए और जयशंकर साहब भी थे वहां पर, बात और रिश्तों को और विश्वास को बढ़ाने की बात हो रही है, और वीजास को देने की बात हो रही है जर्नलिस्ट को, और उसको तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब उन्होंने बोला कि विश्वास बढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है चाइना को भारत के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हम, हमारे ऊपर भी ये जो फॉरेन फोर्सेज हैं हर रोज अटैक करवाने की कोशिश करती हैं, शायद दे शुड लर्न फ्रॉम अस कि हम कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को कभी भी किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करी है। ये पहली बार है कि चाइना को डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो भी कंट्री के अंदर। इकोनॉमिकली सबने इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, लेकिन जब आज ये काम हो रहा है, ओ भाई, हम तो पिछले 75 सालों से इसको फेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास 75 साल का एक्सपीरियंस है, विच वी कैन शेयर विद चाइना कि इन इंटरनेशनल जिहादियों के साथ कैसे डील किया जाए। बट एज फार एज कॉपरेशन इज कंसर्न, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये भी मेरा एक मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ कि आपने शुरू में एक ओपनिंग सेंटेंस किया था कि चाइना बड़ा पीसफुल कंट्री है। यस, ये इंटरनली बड़े पीसफुल हैं, लेकिन 18 कंट्री साथ में लगती हैं, सबको अनपीसफुल बना के रखा है। तो जो कर्मा है जो आप किसी और के साथ करेंगे, आपके साथ भी होगा एक दिन, तो वो भी एक रीजन है जिसके कारण हो सकता है। बट चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ,
चाइना ने एक तरफ तो बोल दिया हम कॉपरेशन इंक्रीज करते हैं, हम आपस में बिजनेसेस को इंक्रीज करेंगे, आप अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दीजिए, हम भी सब कुछ करने को तैयार हैं, हम बॉर्डर से पीछे हट जाएंगे, हम बड़े अच्छे लोग हैं, प्लीज ट्रस्ट अस वंस, है ना, ये चाइना बोल रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने कल ही क्लोज डोर्स में एक पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं चाइना की, उनको बोल दिया अब दुनिया में कहीं भी जाकर इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको भारत में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इतना ही ट्रस्ट था भारत के ऊपर, तो आपने अपनी कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोका क्यों? उसका रीजन है चाइना को लगता है कि फ्यूचर में जाकर अमेरिका इनके लिए कंपटीशन नहीं बनने वाला, यूरोप नहीं बनने वाला, वो भारत बनेगा। और जो चीज चाइना ने यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज के साथ किया था 15-20 साल पहले कि अगर आपको चाइना में मैन्युफैक्चर करना है तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वही काम भारत ने चाइना के साथ करना शुरू कर दिया। इफ यू वांट योर ऑटोमोबाइल कंपनीज टू कम टू इंडिया, आपको अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। चाइना ने बोला है हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है अमेरिकन और यूरोपियंस की तरह कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनीज को बोल दिया डू नॉट इन्वेस्ट इन चाइना। अगर आपकी गाड़ी बिकती है इंडिया के अंदर आप बेचिए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर नहीं करेंगे ताकि कल को 5-10 साल के बाद भारत एक कॉम्पिटिटर ना बन जाए चाइना के लिए। तो एक तरफ तो कॉपरेशन की बात बोलते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम इंडिया की टर्म्स पे काम नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आने नहीं देंगे। तो ये दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। विश्वास है तो विश्वास पूरा कीजिए, वरना सड़कों पे कत्लेआम तो शुरू हो ही गया है। तो इसका मतलब यही है कि बॉर्डर से पीछे हटने की जो एक हड्डी डालकर जो चाइना है वो भारत को एकदम कह रहे हैं कि वो अंटीमिडेटिंग कोशिश कर रहा है कि भारत शायद उनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन चाइना के तो कितने सारे देश भुक्त भोगी हैं, हमारे पड़ोसी में ही देख लेंगे तो आपको कई सारे देश मिल जाएंगे। ऐसे में भारत की जो चाइना की नीति है उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश आपको नजर आती है या जो है वो आपको फिलहाल सही है जैसा चल रहा है? अहमर जी, पहली बात यह है कि कम्युनिस्ट का एक तरीका है जो इन्होंने सोच लिया, ये करकर छोड़ेंगे। अगर इन्होंने सोच लिया कि इन्होंने अरुणाचल और लद्दाख हमारा है, हम लेकर ही छोड़ेंगे, ये अपने आप को खत्म कर लेंगे लेकिन उस जिद को कभी छोड़ेंगे नहीं, ये इनका डीएनए है। तो अगर आज ये बॉर्डर से पीछे हटे हैं उसका रीजन है एक, हम जैसे लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन इंडियन गवर्नमेंट को गई थी कि आप चाइना को बोलते हैं कि आप 2020 की जो सिचुएशन है उससे पीछे हट जाइए बॉर्डर सर। तो मैंने इनको बोला था डू नॉट टॉक अबाउट 2020, यू टॉक अबाउट 1962। जब आप 1962 में बोलेंगे कि उसमें जो बॉर्डर था उससे पीछे हटिए, तब ये 2020 के लेवल से पीछे हटेंगे। तो वही काम इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया है, इन्होंने 2014 से पीछे हटने के लिए बोला, वो हट भी गए। ओके, आपको याद होगा जे 6 पोजीशंस में से 4 वो थी जो 2020 में वो एंटर किए थे, 2 तो राहुल गांधी के टाइम की थी जो उसे पता भी नहीं था क्योंकि वो खुद मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक में बिजी था उस वक्त, और उसके बाद वो एग्रीमेंट साइन करने में बिजी था चाइना के साथ, जो छुपकर इन्होंने यहां पर एग्रीमेंट्स किए थे, उसे पता ही नहीं था कि चाइनीज ऑलरेडी भारत की बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब भारत की गवर्नमेंट इनके साथ नेगोशिएट करना शुरू किया, दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग डिफरेंटली। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने ऐसा नेगोशिएट किया है, मे बी देवर डूइंग इट बिफोर, बट देवर बहुत थिंक टैंक के लोग हैं यहां पर, जो हम लोग यहां पर एम्बेसीज में जाकर ये बातें बोलते हैं इनके साथ, and I have shared these things in my videos many times. तो जो जब भारत ने जाकर जैसे नेगोशिएट किया है चाइना के साथ, उसमें दो ही चीजें हैं। अगर आपको भारत की मार्केट चाहिए तो आपको सबसे पहले बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा, वो हट गए। और हमने भी बोल दिया आपकी इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पर करना चाहते हैं, आप करिए, बट हमारी टर्म्स पर। टर्म एक ही है, आप चाइना में बनाकर भारत में ट्रांसफर नहीं कर सकते माल को, आपको भारत में बनाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया के अंडर जाएगा माल, और आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। उसी के लिए अभी चाइना रिलक्टेंट है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, चाइना की मजबूरी है भारत की मार्केट, हमारी भी मजबूरी है, हमें भी चाइनीज टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें भी वहाँ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें भी अपने यहाँ पर इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, बट हमारे से ज़्यादा चाइना को ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल का इशू नहीं है, चाइना का इस वक्त सर्वाइवल का इशू चल रहा है। इकोनॉमिक डाउनफॉल चाइना के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के आ गया है और भारत एक बड़ी मार्केट है, तो उसके लिए
चाइना को भारत की जरूरत है और देखते हैं कि इस पूरे मसले पर आगे क्या कुछ हमें डेवलपमेंट नजर आते हैं और जो कुछ भी सामने आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के इस मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार नमस्कार।